सुप्रभात, राधे राधे, आप सबका स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जितने लेट आए हैं उसका रीज़न भी बता देते हैं। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आपके सिर्फ कमेंट आ पा रहे थे, हमारी तरफ से कोई इस प्रकार की बात नहीं जा पा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। सर रोज़ रोज़ लेट होते हो, क्या है ये। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत कर देते हैं। आप सब बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है और आनंद से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कृति प्रणाम, नमस्कार। नीतू, राजेश, संदीप, बसंती छिंपा, मंजू गोस्वामी, गुड मॉर्निंग। कुंवर भरत सिंह, कमल, अनूप डागर, रकम, केस, मीना, मोटिवेशन चैनल, रिंकुस, अजय सिंह, ममता यादव, संदीप कुमावत, लक्ष्मण राम सैनी, सीम बानो जी, एस के किरोड़ीवाल, राहुल वर्मा, योगेंद्र, जयपाल, एकता, सब दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। और सीधे बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। जय जम्बेश्वर जी, लेट क्यों हो सुरेंद्र जी, रीजन बता दिया सबसे पहले आते ही जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपने इस क्लास की, 14 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उन सभी बातचीत पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो पंक्तियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। ऐसा आपको रोज दोहराना होगा, अपने आप को दृढ़ बनाने के लिए, अपने आप को संकल्पित बनाने के लिए हमें ये सब बातें करनी होगी। और वो क्या है, इन निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया, मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। ऐसा हाँ मीना बॉय साहब, हम जरूर ऐसी कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ लक्ष्मण जी आ गई है, तो आप सबको इन पंक्तियों को बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है। और हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना और निश्चित सफलता हासिल करनी है, ऐसा संकल्प लेकर, इन निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया, ऐसा संकल्प करते हुए चलिए आज के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आ चुका है, जरा इसका जवाब दीजिएगा सब लोग। क्या है सवाल, जरा देखो। विश्व के 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में शामिल भारत का एकमात्र शहर जो राजस्थान में स्थित है, वो कौन सा शहर है, आप उस शहर का नाम बताइएगा फटाफट जी, बताइएगा। विश्व के 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में शामिल भारत का एकमात्र शहर जो राजस्थान में स्थित है, उस शहर का नाम बताना है। सिर्फ शहर का नाम याद कर लीजिएगा, बाकी कोई चीजें परीक्षा के लिहाज से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप इसके इतिहास को जानने बैठ गए, नहीं, परीक्षा का सीधा सवाल अगर आता है तो इतना ही आएगा, द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ। हाल ही में इस प्रकार के विश्व के 16 शहरों की एक क्या बनाई गई, लिस्ट बनाई गई दोस्तों, क्या बनाई गई, ऐसे 16 शहरों की एक लिस्ट तैयार की गई, द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ। इसमें भारत में जो है, भारत का ही एकमात्र शहर है, और वो भी कहां का है, राजस्थान का एकमात्र शहर है, उस शहर का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान वो है जिसने केंद्र सरकार के द्वारा मोस्ट जो डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन जो है, वो राजस्थान में, राजस्थान को पुरस्कार दे चुका है केंद्र सरकार। इसके अलावा बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का भी पुरस्कार राजस्थान को मिल चुका है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे पुरस्कार राजस्थान को मिले हुए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये सवाल जो है वो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व के 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वो आपका है उदयपुर शहर, यानी आप लोग सब जानते हो झीलों की नगरी, जिसे हम कहते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर जो है वो आपके लिए क्या बन चुका है, इंपॉर्टेंट बन चुका है। सवाल सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि उदयपुर शहर हाल ही में विश्व के 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में क्या किया गया है, शामिल किया गया, ऐसा भारत का एकमात्र शहर है, और वो भी कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये सब मेरे हिसाब से आप सबको याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ज्यादा इसमें फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि हम ये भी याद कर लें, वो भी याद कर लें, इतना जरूरत नहीं आप लोगों को, सिर्फ इतना याद हो जाए वो बहुत बात है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा सवाल जो है वो क्या रहने वाला है, जरा वो सवाल देखिएगा। किस कार्यक्रम के तहत राज्य की बेटियों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फ्री टाइगर सफारी का क्या दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है, अगर आपने सुना है पढ़ा है तो राज्य सरकार ने कहा है कि हम बेटियों को अब क्या करेंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो हमारा है जहां पर हमने टाइगर परियोजना शुरू की थी और राज्य का सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो या फिर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अपनी रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहचान रखता है, इस टाइगर रिजर्व में फ्री सफारी यानी फ्री घूमने का क्या मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है। तो इस रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में आप सब लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से, अब बताइएगा मुझे, ठीक है हाँ अब बताइएगा जरा कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो आप लोगों का, सॉरी कौन सी योजना है लक्ष्य बच्चियों के लिए चलाई गई जिसमें योजना के तहत राज्य की बच्चियों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में घूमने का क्या मिलेगा, सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। तो यहां पर पहला है शुभ लक्ष्मी योजना, दूसरा कालीबाई मेधावी छात्रा योजना, फिर है इंदिरा शक्ति योजना और हमारी लाडो योजना। इंदिरा शक्ति योजना के तहत जो हमने कहा था कि इंदिरा शक्ति योजना के सरकार ने क्या कर दिया है, अभी हाल ही में राशि स्वीकृत कर दी है और इसकी दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैंने कहा था इंदिरा महिला शक्ति योजना जो है उसके तहत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है, लगातार कदम बढ़ा रही है और अलग अलग अभियान चला रही है। राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा के अनुसार अब इसमें राशि को क्या कर दिया है, स्वीकृत भी कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल बात करें उससे पहले इसका उत्तर जान लीजिएगा, यह है हमारी लाडो योजना जो है, इस लाडो योजना के तहत जो लाभान्वित हैं, जो लाभान्वित बच्चियां हैं उन बच्चियों को क्या किया जाएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फ्री टाइगर सफारी का क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। कल की न्यूज आपने पढ़ी हो तो लगातार यहां बाघों का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल एक बाघी ने कुछ दो सावकों को और क्या दिया, जन्म दिया, जिसके कारण ये आपके लिए एक बढ़िया संकेत है और पटवारी की और एसआई की सब जो तैयारी कर रहे हैं उनके वाकायदा सिलेबस में है जलवायु परिवर्तन और ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला जो कुछ लोगों के कोर्स में है, कुछ के नहीं है, लेकिन पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसी में आता है आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व और टाइगर जो है उनकी संख्या, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी बात करते हैं अपन कि ऐसी कौन कौन सी जो बातें हैं जिनके संबंध में रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो चर्चा में आया, तो जरा देखिएगा यहां पर है रणथंभौर से आ रही है इस वक्त की अच्छी खबर, कल की खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज की आपको बता रहा हूं मैं। बाघिन एरोहेड दिखी दो सावकों के साथ, जोन नंबर दो, ये जोन नंबर दो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि अलग अलग जोन में बंटा हुआ है हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो क्या बंटा हुआ है, अलग अलग जोन में बंटा हुआ है। यहां पर जोन नंबर दो जो है वहां पर इसको क्या किया गया, देखा गया बाघिन कौन सी है, एरोहेड, ठीक है, एरोहेड जो है उस बाघिन का नाम है, सावक व मां रिधि सिद्धि की मां एरोहेड तीसरी बार बनी है, यानी इनका नाम भी दे दिया, रिधि और सिद्धि इनके दोनों बच्चों का नाम दिया। सबसे पहले लीटर से हुए सावक नहीं कर पाए थे सर्वाइव, फील्ड डायरेक्टर टीसी वर्मा के क्षेत्र ने बढ़ाई मॉनिटरिंग, यानी इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग लगातार क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई। इनके दोनों बच्चों का नाम आपके सामने रिधि और सिद्धि, यानी सबको नामांकन किया जाता है ताकि क्या हो, डिटेक्ट करने में आसानी हो, इस वजह से इनका नामकरण किया जाता है। अब मैं इन बाघों के बारे में और इन सब के बारे में आपको कुछ जानकारियां और देना चाह रहा हूं जो आपके लिए थोड़ी अच्छी रहेगी, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए आपको आज तक उनकी समझ नहीं भी है, ये देखिएगा ये बाघिन है आपके सामने, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की क्या है, बाघिन है जिसने क्या दिया, दो सावकों को हाल ही में जन्म दिया, इस प्रकार की इमेज जो है वो वहां से, हाँ एरोहेड बाघिन जो है उसकी फोटो ये आपके सामने है, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कैसे डिटेक्ट करते हैं फोटो के माध्यम से, ये सब लोग कैमरों के माध्यम से आप लोगों के सामने है। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं, यहां पर कुछ बात अभी मैंने टाइगर रिजर्व के बारे में यानी टाइगर के बारे में बात की, अब देखिए एक नया सवाल और आया, दो तीन दिन से ये खबर न्यूज़पेपर में आ रही है, टाइगर के अलावा झालाना जंगल में खुशखबरी, सावक के साथ दिखी मादा लेपर्ड। एक होता है लेपर्ड, इस लेपर्ड का नाम है बसंती, क्या नाम है, लेपर्ड अलग चीज है, टाइगर अलग चीज है, लोइन अलग चीज है, क्या ये सारे जो है
वो आप लोगों को अंतर मालूम है इन सब में? क्या इनमें थोड़ा बहुत फर्क है या सब एक जैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं इनके अंतर के बारे में। तो इसका नाम क्या रखा गया? बसंती नाम रखा गया। ये झालाना का जो क्षेत्र है ना, जयपुर का झालाना का क्षेत्र, झालाना डूंगरी जिसे अपन कहते हैं, उसके आसपास का एरिया जो है वो झालाना कहलाता है। यहां पर जो है एक दिन तो देखा गया लेपर्ड, कौन सी लेपर्ड? बसंती जो लेपर्ड है, बसंती लेपर्ड उसको देखा गया था। ठीक है, ये लेपर्ड जो है इसी को हम पेंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंथर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पेंथर के अलावा इसी को हम बगेरा कहते हैं। ध्यान रखना ये इसी के नाम है, बगेरा, लेपर्ड, तेंदुआ, ये सब क्या है? इसी के नाम है। आईएएस की परीक्षा में एक बार सीधा सवाल आया आज से 2-3 साल पहले कि इनमें से कौन सा जीव जो है वो भारत में नहीं पाया जाता, जिसमें से टाइगर, लेपर्ड ये सब ऑप्शन में दिए। तो ऐसा जो, हाँ, जगुआर, ये सब नाम वहां क्या दिए जाते हैं? ऑप्शन में दिए गए थे। तो आपको उनमें से चुनाव करना था कि कौन कौन सा भारत में पाया जाता है और कौन कौन सा भारत में नहीं पाया जाता। जरा एक और देख लीजिएगा, गजल, एक अन्य लेपर्ड जो है वो इसी क्षेत्र में है, जिसका नाम क्या है? गजल नाम है। इनके नाम देखिए, बसंती, गजल, ये है पहले दिन देखी गई बसंती और दूसरे दिन कौन सी? गजल। ये दोनों लेपर्ड है। कहां पर है ये लेपर्ड? जो जालाना डूंगरी का क्षेत्र है वहां पर ये देखी गई है लगातार 2 दिन से। अब आपसे परीक्षा में मान लो ऐसा सवाल पूछ लिया लोयन, ठीक है, इसके बाद पूछ लिया टाइगर, इसके बाद है आपका पेंथर या फिर लेपर्ड, इसके बाद आपसे पूछा चीता, इसके बाद आपसे पूछा प्यूमा या जगुआर, प्यूमा को जगुआर भी कहते हैं, ध्यान रखना जगुआर, ये प्यूमा या क्या है? जगुआर। फिर है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इनमें से कौन से हैं जो भारत में नहीं पाए जाते? सीधा आईएएस की परीक्षा में सवाल आया है, पर्यावरण से रिलेटेड, वहां भी सिलेबस चलता है, बहुत लंबा सिलेबस है पर्यावरण का वहां। तो अब आपको एनवायरमेंट से संबंधित अगर ये सवाल वो पूछ ले, ठीक है, कि भाई लोइन, टाइगर, पेंथर, चीता, प्यूमा, जगुआर, हिम तेंदुआ, इनमें से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि इनमें से भारत में लोइन पाया जाता है। और लोइन जो है वो भारत में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, यानी भारत में नहीं, पूरे एशिया में ही केवल भारत में पाया जाता है, और भारत में भी वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। यानी एशियाई शेर जो है वो पूरे एशिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ भारत में, और भारत में भी कहां पर? सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर अभ्यारण्य में ये एशियाई शेर पाया जाता है। ये शेर इसके अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं है, ध्यान रखना, पूरे एशिया में कहीं नहीं है। टाइगर आप लोग सब जानते हो, टाइगर रिजर्व हमारे बना रखे हैं अलग अलग। उसके बाद पेंथर और चीता और प्यूमा, जगुआर और हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है भारत में। कहां पर? हिमालयी क्षेत्र में ये पाया जाता है भारत में। भारत में एक तो प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता और एक चीता नहीं पाया जाता। पेंथर हमारे यहाँ है, पेंथर है, टाइगर है, लोइन है, हिम तेंदुआ है, लेकिन भारत में चीता नहीं पाया जाता और प्यूमा यानी जगुआर नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान रखना। और शेर जो है वो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं एशिया में, और भारत में भी कहाँ पाए जाते हैं वो आप ध्यान रखना, भारत में भी सिर्फ और सिर्फ गिर अभ्यारण्य जो गुजरात का है वहां पर हमारे यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसके अलावा भारत में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। चलिए जरा और अब आपको इनका अंतर समझा देता हूं, जरा फटाफट देख लीजिएगा। ये एशियाई शेर आपके सामने है, जरा देख लीजिएगा क्या है, एशियाई शेर है, ये एशियाई शेर है, एशियाई शेर, एशियाई लोइन जिसे अपन कहते हैं, एशियाई शेर, ये एशियाई शेर, अंतर समझ लीजिएगा फटाफट। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर अभ्यारण्य जो गुजरात का है, गिर अभ्यारण्य, ये परीक्षा का सवाल हो सकता है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है, और वहीं पर केवल और केवल ये क्या पाए जाते हैं? लोइन पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। सर मालविका लांबा जी को भाई पीडीएफ का बताइएगा, इनको नंबर बता दीजिएगा। मालविका लांबा जी का कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, इनको बताइए जरा। ठीक है मनीषा जी, बात करेंगे, लेकिन ये अंतर समझ लो, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है इसीलिए पढ़ा रहा हूं। यहां देखिएगा ये आपके सामने टाइगर है, टाइगर में भी अंतर समझ में आ रहा होगा कि लोइन और टाइगर में क्या अंतर है। ये इस प्रकार की जो धारियां हैं, ब्लैक कलर की धारियां इसके शरीर पर पाई जाती है। अगर ये जानवर खतरनाक नहीं होते तो आज सब हिंदुस्तानियों के घर घर में पल रहे होते। ये देख लीजिएगा किस प्रकार का इसका, इनमें फर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट जरा देखो, ये इसी की फोटो है, टाइगर की है, ये भी क्या है? टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिएगा और क्या है, ये आपके सामने ब्लैक पेंथर है, ये क्या है? ब्लैक पेंथर है, ब्लैक पेंथर जो है वो आपका, ब्लैक पेंथर आपके सामने, ये ब्लैक पेंथर है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से इसको। ठीक है, हाँ,
चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा और क्या है, ये आपका ध्यान से देखिएगा क्या है, जरा आप इसका अंदाजा लगा सकते हो क्या है। ठीक है, ये तेंदुआ आपको नजर आ रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से तेंदुए में और जगुआर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी चीते में और तेंदुए में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, या फिर ऐसे कह दीजिएगा चीता। ठीक है, चीता और जगुआर जो है उसमें बहुत कम अंतर होता है। ये जो आपके सामने ये तो लेपर्ड की फोटो है, ध्यान रखना ये किसकी फोटो है, लेपर्ड की फोटो है। लेपर्ड कह दीजिए, इसे पैंथर कह दीजिए, इसे बगेरा कह दीजिए, इसे तेंदुआ कह दीजिए, उसकी फोटो है। चीते में और जगुआर में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन चार कैटेगरियां हैं, देख लीजिएगा आपके सामने। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है पहला आपके सामने चीता है। चीते की चमड़ी जो होती है उस पर छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके बाद में लेपर्ड जो होता है उसके थोड़े बड़े होते हैं, और जगुआर तो थोड़ा लंबा होता है, और मुंह जो होता है इस पर, यहां जैसे इसकी ये आंखें हैं, इस आंखों पर यहां पर जैसे ये आंखें हैं, तो इनके यहां पर ऐसी ब्लैक ब्लैक धारी होती है, मुंह के ऊपर एक क्या होती है, ब्लैक कलर की धारी होती है। यहां पर बस इतना ही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देख लीजिएगा ये आपके सामने है लेपर्ड एक तरफ, एक तरफ जगुआर है। इसके यहां पर मामूली सा ब्लैक कलर होता है, मामूली सा, इसके थोड़ा ज्यादा होता है, यहां पर बस इतना सा फर्क है। और चमड़ी पर जो दाग है ये बने हुए, इनमें साइज में थोड़ा फर्क होता है, बाकी जगुआर में और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, इस बात को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए जरा और देख लीजिए, अब तीनों में अंतर समझ लीजिए, जगुआर में, लेपर्ड में और चीते में क्या क्या अंतर है। चीते के मुंह पर ये जो ब्लैक कलर की धारी होती है ये थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, ऐसे होता है, ज्यादा डरावना शक्ल का होता है ये। और इसमें लेपर्ड जो होता है और जगुआर जो होता है, जगुआर के मामूली सा ब्लैक होता है, यहाँ जगुआर के मामूली सा ब्लैक होता है, और इसके यानी चीते के बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, और यहां पर आपका लेपर्ड जो होता है उस लेपर्ड के बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, यहां पर ये ब्लैक नहीं होता है, यहां आंखों पर ब्लैक चेहरा नहीं होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये आपके सामने हिम तेंदुआ है। क्या है, हिम तेंदुआ आपको नजर आ रहा है, हिम तेंदुआ ये आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपके सीधे जो बात है कि सर नेक्स्ट सवाल पर आओ, तो सवाल आपके सामने है, ये मैंने बता दिया कि हमारी लाडो योजना जो है उसके तहत बच्चियों को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, जो कह रहे हैं सर जल्दी से सवाल कराओ। देख लो, राजस्थान में जानवरों पर शोध कार्य व उनकी बीमारियों के संबंध में अध्ययन हेतु अत्याधुनिक एनिमल हाउस जो है, उस अत्याधुनिक एनिमल हाउस का जो है वो कहां पर उसको बनाया गया या कहां पर उसको तैयार किया गया, ये बताइएगा। ठीक है, आपके फटाफट जल्दी है तो फटाफट ही कराएंगे। अब देखो, अत्याधुनिक एनिमल हाउस राज्य में कहां बनाया जा रहा है ये आपको क्या करना है, बताना है। राजस्थान में जानवरों के शोध कार्य, उनकी बीमारियां यानी जानवरों के संबंध में होने वाली बीमारियों के अध्ययन के लिए, और अत्याधुनिक एनिमल हाउस जो है वो राज्य में कहां बनाया जा रहा है, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और सीकर में। अब बताओ जी। ठीक है, बसंती जी बहुत सुंदर, नहीं जानवरों से जो लोग प्रेम करते हैं उनको मालूम है इनकी हकीकत, जितने ये हमें भयानक लगते हैं लोग इनको उतने ही अच्छे ढंग से रखते हैं, तो मनुष्य से ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि दिमाग भले ही इनमें ना हो लेकिन जो सेंटीमेंट मनुष्य के होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से ये जानवर समझते हैं। चलिए, सब लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं इसका, इसका सही जवाब है जोधपुर, सही जवाब है जोधपुर में हाल ही में क्या बन रहा है, एनिमल हाउस बनाया जा रहा है, और ये बनकर तैयार हो रहा है। एनिमल हाउस जो है वो बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, और यहां पर क्या किया जाएगा, जो जानवर है उनके संबंध में जो बीमारियां, एक तो उनका क्या किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा यानी उनको दूर किया जाएगा, प्लस नई जो बीमारियां पैदा होती है जानवरों में उसको लेकर यहां पर शोध कार्य किया जाएगा। तो आपको ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहां बनाया जा रहा है, इतना ही बहुत है। ठीक है, हाँ चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या है आपके सामने इंपॉर्टेंट बातें, यहां पर उन सब पर भी बातचीत कर लेते हैं। आपको ज्यादा गहराइयों में, आपको परीक्षा पास करनी है, यहां पर ज्यादा ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के लिए वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बनने जा रहा है, आपको पता है अभी जयपुर में जो आमेर महल है उसके एक जो बूंटी बनी हुई है यानी किले की एक जो हिस्सा है उस पर अभी बिजली गिरी, और ऐसे मानकर चलिए पूरे राजस्थान में ये बिजली गिरने की जो घटना है ये बड़ी व्यापक हो गई इस समय, और कई कई जगह पर यहां पर हमारे जो भाई बंधु हैं उनकी मृत्यु भी हुई। ठीक है, अब आप बताइएगा कि
यहां आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया कि हम अब एक वॉलंटियर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। देखो विदेश में और हमारे भारत में सिर्फ मामूली सी एक ही चीज का फर्क है, ये फर्क समझ लीजिएगा क्या है। मान लीजिए हमारे एक विदेशी देश है जिसका नाम है अमेरिका और एक हमारा भारत है। अमेरिका किसी आपदा के आने से पहले क्या करता है उसके बारे में सोचता है और उसको दूर करने के उपाय करता है, पहले करता है आपदा होने से पहले। और हिंदुस्तान में क्या है, हमारे आपदा आ जाए उसके बाद हम ये करते हैं कि अब जब अगली बार आएगी तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अमित जी इसी क्लास के अंतर्गत हम दौरान करवा देते हैं, अलग से कोई क्लास अभी नहीं चला रखी है, थी वो किसी कारण वजह से एक बार बंद हो गई है, ठीक है। हाँ तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एक हमारे भारतीय नेता हैं उनकी बात बताता हूँ, उनके जीवन की। भारतीय संसद के एक नेता विदेश अमेरिका घूमने गए, कहाँ गए, अमेरिका। और अमेरिका जब गए वो तो उनके जीवन से, ये पुस्तक में लिखा गया है, उनके जीवन से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनमें इनका जिक्र किया गया है। वो जब दौरा करने कहाँ गए, अमेरिका गए, तो वो एक पुल से होकर गुजर रहे थे और इतना शानदार पुल बना हुआ था वहां पर। इस शानदार पुल को देखकर मंत्री जी ने अपने जो सहयोगी थे उनसे कहा कि इस पुल पर मेरी क्या खींचिए, शानदार फोटो बनाइए। वो मंत्री साहब जो थे उन्होंने यहाँ पर फोटो खिंचवा लिया, सब काम कर लिए, जहां जाना था वहां जाकर वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो क्या हुआ कि लोग जो है वो इस पुल को तोड़ रहे थे। अब भाई मंत्री जी चकित हो गए, मंत्री जी चकित होकर उनसे उतर कर पूछा इतना शानदार पुल बना रखा है अब कि इसको क्यों तोड़ रहे हो। तो अमेरिका के वहां के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, इंजीनियर जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ क्या था कि इसकी जो अवधि थी वो 10 साल के लिए हमने ये पुल बनाया था और वो 10 साल की अवधि जो है वो आज से 10 दिन बाद क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है। 10 दिन बाद इसकी जो म्याद थी वो खत्म होने वाली है, अवधि जिसके लिए बनाया गया वो खत्म होने वाला है। तो हम इस 10 दिन पहले इसको तोड़कर, न जाने 10 दिन की अवधि के बाद इस पर कितना बड़ा हादसा हो जाए, तो ये हादसे से बचने के लिए हम इसे पहले से ही तोड़कर क्या करेंगे, नया बनाएंगे। तब हमारे मंत्री जी बड़े चकित हुए कि जो घटना हमारे यहाँ तो अवधि पूरी होने के सालों वर्षों बाद तक ये पुल बना रहता है और यहाँ पर तो ऐसा होता है। यही इस सवाल से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ बिजली गिरने की जितनी बड़ी घटना हुई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ऐसा भी है वहां पर बिजली को नियंत्रित करने वाला कोई यंत्र नहीं लगा रखा था। तो आपदा प्रबंधन के लिए अब हमने वॉलंटियर प्रशिक्षण केंद्र क्या करने की, स्थापित करने की राजस्थान में योजना बनाई, और ऐसा करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य होगा। बोले सर पहला कौन सा है, पहला ऐसा करने वाला राज्य भारत का महाराष्ट्र है। सोच कर देख लीजिएगा, भारत में पहला राज्य ऐसा करने वाला महाराष्ट्र और दूसरा हमारा राजस्थान है। बल्कि हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं हर वर्ष नहीं हर दिन आती है, उसके बावजूद भी हमने इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं कर रखी है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। दूसरा स्थान है किसका, राजस्थान का, जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए वॉलंटियर्स प्रशिक्षण केंद्र हमने क्या करने की, स्थापना करने के बारे में सोच रखा है, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 23 दिसंबर 2003 को आपदा प्रबंधन सहायक मंत्री, ठीक है साहब, रीना जी आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है जरा आपका सवाल जरा देखिएगा, ये है आपका नेक्स्ट सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी राशि मंजूर कर दी है, कल ये राशि मंजूर की है मुख्यमंत्री ने, और आपको बताना है कितनी राशि मंजूर की है हाल ही में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी राशि मंजूर की है, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, कितनी राशि जनजातियों के विकास के लिए, ठीक है। हाँ राजू कुमार जी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको एकाग्रचित होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां क्या लिखा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी राशि हाल ही में क्या की है, मंजूर की है। तो इसका सही जवाब होगा कल ये राशि क्या कर दी है, मंजूर कर दी है, कि इतनी राशि से हम क्या करने वाले, जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु हम इस राशि को लगाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए राशि जो है वो इसमें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया, कितनी, 100 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने किसके लिए, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए यह राशि की जानी है, खर्च की जानी है, इसका आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल आपका क्या आने वाला है जरा देखिएगा, ठीक है। यहां पर कौन सा सवाल आपका इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट जरा देखिए, यह है यहां से सवाल
प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शहरी क्षेत्रों में जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। यहां से आपके इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे उनके सवाल शुरू होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इन सवालों को। वैसे मैं ये सारी बातें आपको पहले पढ़ा चुका हूं एक क्लास, स्पेशल क्लास में, और अब मैंने इन पर सवाल बनाने शुरू कर दिए हैं। देखिएगा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शहरी क्षेत्रों में जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये जनता क्लिनिक जो है ये किसकी तर्ज पर चलाया गया, तो दिल्ली सरकार में मफलर वाले भाई साहब जो है ना, दिल्ली के आप सरकार के मुख्यमंत्री, ठीक है, वो कौन है, वो है भाई साहब आपके अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, केजरीवाल जी। इन्होंने एक मिशन चलाया कि हमारे यहाँ हम मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की क्या करेंगे व्यवस्था। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है डिस्पेंसरी, आप जिसको कहते हो छोटे मोटे प्राथमिक उपचार के लिए जो केंद्र बनाया जाता है उसे डिस्पेंसरी हम लोग कहते हैं, और वैसा ही मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर दिल्ली में मोहल्ले मोहल्ले में बनाए गए, ठीक है। अब क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने कहा हम भी हमारे राज्य में इस प्रकार की क्या करेंगे, एक व्यवस्था करेंगे, और शहरी क्षेत्रों में छोटी जो डिस्पेंसरियां जहां पर नहीं बनी हुई है वहां पर हम क्या बनाएंगे, जनता क्लिनिक खोलेंगे। और राज्य में जनता क्लिनिक खोलने की शुरुआत हुई। तो अब आपसे पूछा क्या गया, सार्वधिक जनता क्लिनिक किस राज्य में खोले, किस शहर में खोले गए, राज्य में नहीं किस शहर में खोले गए, तो देखिएगा सबसे ज्यादा 12 क्लिनिक, सबसे ज्यादा 12 क्लिनिक कहां खोले गए, जयपुर में खोले गए थे। इसके अलावा फिर 3 क्लिनिक कहां खोले गए थे, जोधपुर में खोले गए थे। उस समय तक तो सबको जानकारी थी कि इतना इतने खोल दिए, लेकिन अब इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं है कि अन्य कौन से शहरों में इस प्रकार के ये खोले गए। तो अब आपके सामने सही सवाल का जवाब क्या, सर्वाधिक जनता क्लिनिक किस शहर में खोले गए, तो जयपुर में होगा। जोधपुर में कितने खोले गए, 3 जनता क्लिनिक खोले गए, और सरकार ने एक वर्ष जब उनका पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, उस एक वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में इस व्यवस्था को क्या किया था, उन्होंने शुरू किया था। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है इसके संबंध में, ये है आपका नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और कितने जिलों में, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम है, ये और हटा दीजिए, कार्यक्रम फ्लोरोसिस कार्यक्रम जो है, नियंत्रण कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है आपको यह बताना है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण जो है यह कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है। देखो सामान्यतः फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम राजस्थान के 33 के 33 जिलों में है, ये मानकर चलिए। सबसे ज्यादा कहां प्रभावित है, जो कुबड़पट्टी क्षेत्र आप लोग कहते हो, जिसको आप अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र कहते हो, वहां से शुरू किया गया। हाँ एकदम सही कह रहे हो, ये जनता क्लिनिक जो है वो जयपुर का जो वाल्मीकि बस्ती एक है कहां पर बनी हुई है, मालवी नगर, आप लोग जानते होंगे, वैशाली नगर नहीं है, मालवी नगर है, वहां पर है। अशोक गहलोत जी ने खुद वहां जाकर इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो आप सब ये बात शायद मेरे हिसाब से जानते होंगे, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कितने जिले क्या किए गए, शामिल किए गए। हाँ कुबड़पट्टी वाला क्षेत्र जो है वो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से लोगों की जो कमर है वो क्या हो जाती है, झुक जाती है, इसके अलावा हड्डियां कमजोर होने का काम करती है, दांत का पीलापन हो जाता है, और नाखून जो है आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाखून ये जो है ये एकदम सही नहीं होते, ये खटे कटे फटे नाखून जो है वो आपको नजर आएंगे, यहां से नाखून की स्थितियां बहुत ज्यादा उनकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है अजमेर नागौर वाला वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित है, बल्कि इससे अलावा राजस्थान के ये कहा जाता है कि 33 जिले जो हैं उन 33 जिलों में ही समस्या है, किसकी, फ्लोरोसिस की, फ्लोरोसिस जो है फ्लोरोसिस, उस फ्लोरोसिस की समस्या 33 जिलों में है। लेकिन फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हमने कितने जिलों को शामिल कर रखा है, इसके लिए हमने 30 जिलों में यह कार्यक्रम चला रखा है, कितने जिलों में, 30 जिलों में। इसके अलावा जो 3-4 जिले बच गए जहां ज्यादा प्रभाव नहीं है उनमें यह कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 30 जिले जो हैं उनमें यह राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम क्या किया गया है, चलाया गया। हालांकि प्रभावित तो राजस्थान में 33 के 33 जिले थोड़े बहुत सब प्रभावित हैं, तो मेरे हिसाब से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है, अगला सवाल, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के 5 सवाल हालांकि करंट अफेयर्स के, लेकिन फिर भी उनसे कोई पूछे या न पूछे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सवाल निश्चित तौर से आते ही आते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम कब चलाया गया, आपने ओपीवी का नाम सुना होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो अब आप बता दीजिएगा मुझे कि ये केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया
इस प्रोग्राम को कब चलाया गया था? आपने एक तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, एक आईपीवी, इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे। ये पोलियो की क्या है? वैक्सीन है। क्या है जी? पोलियो की वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन कह दीजिएगा, वैक्सीन। इसमें से एक वैक्सीन है जो क्या की जाती है, आपको इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, और दूसरी क्या होती है, दूर दराज के क्षेत्रों में हम जो पोलियो अभियान दो बूंद जिंदगी की चलाते हैं ना, दो बूंद क्या चलाते हैं, जिंदगी की चलाते हैं, जिंदगी की दो बूंद, वो उसमें दी जाती है। तो ओपीवी और आईपीवी इन दोनों को ध्यान रखना। एक को क्या किया जाता है, इंजेक्शन से दिया जाता है, जिसके लिए वेल ट्रेंड नर्स होनी चाहिए या होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो है दूर दराज के क्षेत्रों में दो बूंद जिंदगी की तरह लोगों को दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, ओपीवी और आईपीवी, दो बूंद जिंदगी वाले। एक ध्यान रखना, हमारा भारत जो है वो हालांकि पोलियो मुक्त हो चुका है, आपको ये बात पता होगी, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इस बार पोलियो क्या किया गया, पोलियो अभियान चलाया गया। पोलियो अभियान क्या किया गया था, चलाया गया था। कब चलाया गया था सर? तो ये ध्यान रखना, 30 और 31 दिसंबर 2020 जो है ना, उसको ये अभियान चलाया गया था। कहां से शुरू किया था, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति जी ने शुरू किया था। कहां से? राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति जी ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। इसके अलावा ये जिस संडे को इसका आयोजन किया गया था उसको कहा था पोलियो रविवार। क्या कहा गया था उसको? पोलियो रविवार की संज्ञा दी गई थी, पोलियो रविवार, ठीक है, पोलियो रविवार, इस रविवार की संज्ञा दी गई थी। यानी 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को जो भी संडे का दिन था, उस संडे को पोलियो रविवार के नाम से जाना गया। भारत जो है वो भारत क्या हो चुका है, पोलियो से मुक्त हो चुका है। उसके बावजूद भी कोई समस्या इस प्रकार की न रहे, इसलिए हमारे यहां पर क्या किया जाता है, पोलियो अभियान चलाए जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी देश के प्रथम नागरिक के घर से इस अभियान को शुरू किया गया था। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, देश का प्रथम नागरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहां जनगणना होती है तो जनगणना हमेशा राष्ट्रपति के घर से शुरू होती है। पहला व्यक्ति वो होता है जिसके घर से जनगणना क्या होती है, आरंभ होती है। इस वजह से इस देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन है, हमारा राष्ट्रपति है। तो आप सबको यह भी ध्यान होना चाहिए, जब भी जनगणना होगी पहली गणना कहां से शुरू होगी, राष्ट्रपति के हमेशा घर से शुरुआत होगी उस जनगणना की। तो इसमें मैंने आपसे जो पूछा वो आ जाइए। अब नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब चलाया गया था, 2014, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों, यहां पर 14, 15 का जो वर्ष है, इस वर्ष हमारे यहाँ नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम क्या किया गया था, चलाया गया था। ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इस दिन चलाया गया था। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल फटाफट देखते जाओ क्या आ रहा है आपके सामने। राज्य में कोविड 19 का पहला मामला कब सामने आया, बताइए जरा। राज्य में कोविड 19 का पहला मामला कब सामने आया, जिसके बाद लॉकडाउन लगा, सारी परिस्थितियां बदली और वर्तमान में आपके सामने जो है वो परिस्थितियां हैं। हाँ, राज्य में राज्यपाल है, केंद्र में राष्ट्रपति है, एकदम सही कह रहे हो। चलो जी, हाँ आपको भी प्रेसिडेंट बनना है एक दिन। आर जी क्या नाम लें आपका, बताओ। आर लिख रखा है आपने, नाम भी तो कैसे लें, कोई नाम लिखोगे तब नाम लेंगे ना। इसका सही जवाब क्या होगा, कोविड 19 का पहला मामला कब आया सामने, तो यहां पर लिखा है 20 मार्च, 2 मार्च, 25 फरवरी और 1 अप्रैल 2020। ठीक है, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, तो एकदम सही जवाब होगा राजस्थान में पहला मामला 2 मार्च और 2020 को आया था। और कहां आया था यह भी ध्यान रख लेना, जयपुर में आया था, पहला मामला जयपुर में आया था। ठीक है, कोविड 19, देखो सीओ कोविड आपको ध्यान रखना है, ये कोविन तो अलग से नाम है, डी का मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, कोरोना वायरस डिजीज ऐसे नाम था इसका शुरुआत में जब आया, तो यहां सीओ का मतलब क्या था, कोरोना नाम रखा था, कोरोना। ठीक है, वी आई का मतलब इसका था वायरस, ठीक है, और उसके बाद डी का मतलब था डिजीज यानी बीमारी, बीमारी का नाम कोविड 19 है, ये ध्यान रखना। वायरस इसका क्या है,
कोवी सारस, सारस से कोवी टू इसका क्या है, सारस, एस ए आर ए एस, सारस कोवी टू जो है वो इसका क्या है, वायरस है। हालांकि आज इसमें चार प्रकार की वैक्सीन पूरी दुनिया में मौजूद है, चार प्रकार बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, और कुल अगर इस चार प्रकारों में कुल वैक्सीन की बात की जाए तो 9 वैक्सीन जो है अलग अलग कंपनियों द्वारा 9 वैक्सीन वर्तमान में मार्केट में क्या है, मौजूद है। भारत की पहली वैक्सीन जो है, भारत की पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन कौन सी आपको पता है, कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो भारत की पहली क्या है, स्वदेशी वैक्सीन है, पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है ये वाली, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। भीलवाड़ा मॉडल जो है वो भी इस कोरोना महामारी की वजह से क्या आया, चर्चा में आया। भीलवाड़ा मॉडल जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा मॉडल क्या था, जो भी जहां पर ज्यादा संक्रमण हो रहा था उन जगह पर पूर्णतया लॉकडाउन लगाकर उनको घरों में रहने की हिदायत देना, इस प्रकार का एक मॉडल था जो विश्व भर में क्या हुआ था, बाद में विख्यात हुआ था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा मॉडल भी यहां हमारे चर्चा में था। इसके अलावा एक अभियान सरकार द्वारा चलाया गया, वो था सतर्क राजस्थान। क्या था, हैशटैग सतर्क राजस्थान जो है, ये अभियान भी हमारे यहां पर क्या किया गया, चलाया गया था। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप लोग जानते होंगे, और आप लोग एक वैक्सीन इसमें कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड पढ़ते हो, कोविशील्ड उसका निर्माण भारत में जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, अमेरिका की दवाई है, भारत की नहीं है, ये भी आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, भीलवाड़ा मॉडल के अलावा एक रामगढ़ मॉडल भी आपको याद रखना है, रामगढ़ जयपुर वाला है, रामगढ़ मॉडल जो है वो भी आपको इसमें संबंधित ही है। इसके अलावा अब की बार ऑक्सीजन मित्र का एक नया कंसेप्ट सामने आया, इसके लिए बीकानेर जिला जो है वो भी बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा जैसलमेर जिला जो है अभी वैक्सीनेशन करने के मामले में, जैसलमेर जो है उसने वैक्सीन जो है वो खराब नहीं हो, इसके लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, जैसलमेर ने किया है। तो आप सब लोगों को मेरे हिसाब से ये 2DG जो है वो DRDO द्वारा विकसित किया गया एक पाउडर है, 18 जायकोव जो है वो DNA आधारित वैक्सीन है, किस आधारित, DNA आधारित वैक्सीन है, ठीक है। हाँ, सुनीता जी बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, आपको निश्चित सफलता इसमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा यहां पर। हाँ, मनीष जी सही कह रहे हो, दवाई है वो वैक्सीन नहीं है, ये तो बात बार बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या है नेक्स्ट आपका कंसेप्ट और कौन कौन सी बातें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी परीक्षा के लिहाज से। COVID-19 के दौरान लीसा मिशन कहां से लॉन्च किया गया, आपने नाम इसका पहली बार सुना होगा आज मेरे हिसाब से, तो ठीक है। हाँ बताइए जरा। इसका सही जवाब क्या होगा, यहां लिखा है COVID-19 के दौरान लीसा मिशन कहां से लॉन्च किया गया। ये लीसा मिशन क्या है भाई, सुन लो, मिशन लाइफ सेविंग है, ये क्या है, मिशन लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग, इसी को लीसा कहा गया है। लाइफ सेविंग जो है वो मिशन लाइफ सेविंग है, ये मिशन लाइफ सेविंग, ऐसे पढ़िए, LI और SA, मिशन लाइफ सेविंग, ये जो लिखा हुआ आपके सामने, SA का सेविंग लिया गया, LI का लाइफ का ये लिया गया, इसी को हमने क्या कहा है, लीसा मिशन कहा है। इसमें क्या है कि उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की जांच जल्दी करना, जोखिम वाले व्यक्तियों की क्या करना, जांच जल्दी करना, इसके लिए हमने क्या किया, COVID-19 के दौरान एक लीसा मिशन लॉन्च किया। कहां से, जोधपुर से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है कि राज्य में COVID-19 के दौरान लीसा मिशन कहां लॉन्च किया गया। तो उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का क्या किया जाए, तुरंत और जल्दी क्या किया जाए, जल्दी यहां पर उनकी जांच की जाए, इसके लिए हमने लाइफ सेविंग मिशन नाम से लीसा प्रोग्राम चलाया, वो जयपुर में चलाया गया। कहां पर, जयपुर में कोरोना महामारी के वक्त ये अभियान क्या किया गया, चलाया गया। तो इसका जो जवाब है वो बी एकदम सही जवाब होगा। चलें नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल आपके सबके सामने रखने जा रहे हैं, देखिएगा अगला सवाल आपके सामने क्या आने जा रहा है, यह है आपका नेक्स्ट सवाल। अरे क्या हो गया रे तेरे,
चलो देखते हैं अभी एक खबर पहले ये पढ़ लीजिए, इतने में इधर वाला सही हो जाएगा। कोरोना में नौवीं के छात्र ने लिखी बुक, जयपुर शहर के महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय के कक्षा नौवीं के एक छात्र हैं, उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी है। देखो किस प्रकार का काम इस बच्चे ने किया है, रिवेंज ऑफ द लेपर्ड, रिवेंज ऑफ द लेपर्ड इस नाम से डिस्कवरी जो चैनल है उसको देखते हुए पर्यावरण के प्रति प्रेम के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम क्या है वो आप सबको क्या होना चाहिए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्या है पुस्तक का नाम है, रिवेंज ऑफ द लेपर्ड, रिवेंज ऑफ द लेपर्ड, रिवेंज ऑफ द लेपर्ड जो है इस नाम से लेपर्ड के जीवन पर आधारित डिस्कवरी चैनल को देखते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। इनका नाम क्या है, यशस्व चौहान जो है ये महाराजा जो कॉलेज है उसके पास में ही स्वाई मानसिंह जो स्कूल पढ़ता है वहां पर इन्होंने इस प्रकार के स्टूडेंट है और इन्होंने इस प्रकार की क्या कर दी है, पुस्तक की एक रचना कर दी है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं और क्या खबर है। राजस्थान के जो उपचुनाव में जीतने वाले 3 विधायक थे जिन्होंने अभी तक विधानसभा की जो सदस्यता है उसके लिए शपथ ग्रहण नहीं किया था, ठीक है। हाँ तो अब आपको बताना है उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने 70 दिन बाद ली है शपथ। 3 विधायक कौन कौन से थे आपको ये सब जानकारी होगी, ये आपके सीपी जोशी साहब हैं, सीपी जोशी जी हैं जो क्या हैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा के वर्तमान में क्या हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या किया है इन सदस्यों को शपथ दिलाई है। सदस्य कौन कौन से हैं तो आपको पता है, दीप्ति माहेश्वरी, ये है आपके सामने दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी की ये बेटी है दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा से राजसमंद से ये बनी है विधायक, सुजानगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ गलती से न्यूज़पेपर वाले ने भी भाजपा के बना दिए हैं। मनोज कुमार जी जो हैं वो मनोज कुमार जी भंवरलाल मेघवाल जी के बेटे हैं, मनोज कुमार मेघवाल ये कहाँ से है, यहाँ पर सुजानगढ़ से हैं। इसके अलावा मनोज कुमार है और सहाड़ा से कांग्रेस विधायक गायत्री देवी, ये कौन है गायत्री देवी जी, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इनके पति के निधन के बाद इन्होंने इस सीट से क्या लड़ा चुनाव लड़ा गायत्री देवी, और ये सब जो हैं अब इस विधानसभा के क्या बन चुके हैं सदस्य बन चुके हैं, और लॉकडाउन की वजह से इनकी क्या नहीं हो सकी थी विधानसभा में जो शपथ है वो नहीं हो सकी थी। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि विधानसभा में सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये भाई साहब दिलाते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली बात आपके सामने क्या कर दी गई है रख दी गई है, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है, जरा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने एक है, मुख्यमंत्री की बजट की घोषणा के अनुपालना में सभी जिला मुख्यालयों पर की जा रही है इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना। आज मैंने आते ही आपको ये बात बताई थी कि इंदिरा महिला शक्ति जो निधि है उसके तहत इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की क्या की जा रही है स्थापना की जा रही है सरकार के द्वारा, और इसके लिए जो सरकार ने राशि है वो राशि भी क्या कर दी है आवंटित कर दी है, ये भी बात मैंने आपसे कही थी। इसके बाद जयशंकर जो है वो तजाकिस्तान की यात्रा पर, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर जाकर आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जो है वो तजाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है। विदेश मंत्री परिषद की जो बैठक है उस बैठक में क्या करेंगे भाग लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां हुई ये भी सवाल आ सकता है। शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO जिसको अपन कहते हैं उसके विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहां पर आयोजित होने जा रही है, तो बैठक जो है वो तजाकिस्तान में आयोजित होने और जिसमें भारत की ओर से कौन भाग ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री जो हैं वो वहां पर भाग लेने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या है, 26 दिन के मानसून सत्र के दौरान होगी 19 बैठकें, तो ध्यान रखना हमारा संसद का जो मानसून सत्र है ये हमारे ओम बिड़ला जी हैं वो क्या है लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी, और ये सत्र जो है वो मानसून सत्र 19 जुलाई से क्या होने जा रहा है शुरू होने जा रहा है, और 19 जुलाई से शुरू होने वाला ये मानसून सत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कई ऐसे बिल जो हैं वो इस सत्र के दौरान क्या किए जाएंगे पारित किए जाएंगे, तो आप सबको इस पर निगाह बनाकर रखनी है। चलिए जरा नेक्स्ट देखिएगा, ये भारत का वो इलाका है प्यारे दोस्तों जिसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, यानी हम कहते हैं कि भारत एक है लेकिन हमारी स्थितियां बड़ी खराब है, और ये इलाका जो पूरा का पूरा है वो किस नाम से जाना जाता है
रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, यानी नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जो यहां आपको लाल कलर में नजर आ रहा है वो है, जिसमें मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है और महाराष्ट्र है। ये इतना जो इलाका है भारत का, ये किससे ग्रसित है? ये इस समस्या से ग्रसित है, नक्सलवाद की। लेकिन हाल ही में कह रहा है कि देश में 70 जिलों में सिमटा नक्सलवाद 3 वर्षों में नक्सलवाद की हिंसा में 35% तक की क्या आई है, कमी आई है, यानी नक्सलवाद धीरे धीरे कम हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। तो आप भारत का यह नक्शा देख सकते हो कि किस प्रकार भारत जो है वो अंदर से ही क्या है, खोखला है। तो अंदर से खोखला किस वजह से है, क्योंकि हमारे ये जो रेड कॉरिडोर वाला इलाका है वो नक्सलवाद से प्रभावित है और नक्सलवाद की वजह से देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करें उसके संबंध में जरा देख लीजिएगा। पहले अपन जिस विषय पर बातचीत करते जा रहे थे वो विषय हमारा क्या था और किस विषय पर हमें और आगे बातचीत करनी है, ये तो नहीं जाएगा भाई आगे पीछे। अब चलिए तो हम बात उसी विषय पर कर लेते हैं जिस पर हमें करनी थी। आज हम एक व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं जिनका नाम है, वो कौन से व्यक्तित्व हैं जरा देख लीजिए, वो है जयनारायण व्यास, जय नारायण, ठीक है, जय नारायण व्यास पर हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। सवाल और भी बहुत थे लेकिन ये आगे आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, अपने विषय पर बातचीत कर लेते हैं। जयनारायण व्यास के संबंध में आप जो जानते हो वो हमें बताइएगा ताकि हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो रघु शर्मा जी, नक्सली प्रभावित क्या है, सरकार के खिलाफ जो लोग अपने आप की नई सरकार का गठन करना चाहते हैं, अपने बंदूक के बलबूते पर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, यही नक्सलवाद है। और इस देश में नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और सब आपको पता है, आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदमी कब खड़ा होता है, जब उसके ऊपर होने वाले जो आरोप प्रत्यारोप है या उसका जो शोषण है वो अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं सब लोगों की इसमें गलती रही होगी, तब इन लोगों ने क्या उठाए होंगे, हथियार उठाए होंगे। तो ये नक्सलवाद जो है वो नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या है, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब बड़े व्यापक प्रभाव हैं इस देश में, तो ये सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जयनारायण व्यास के बारे में फटाफट सुन लीजिएगा कौन कौन सी बातें हमारी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ध्यान रखना 18 फरवरी 1899 जो है 1899 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ सर, इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये जरा ध्यान रखना, ठीक है। पत्नी, वधू, ध्यान रखना श्रीमती, ये हमेशा बड़ी होती है और इसमें बड़ी मात्रा आती है। तो गेरजा व्यास जो है ना, गेरजा व्यास नाम याद करना है, गेरजा व्यास है इनकी पत्नी का नाम। इसके अलावा इनके उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। शेर ए राजस्थान, क्या है, शेर ए राजस्थान जो है वो इनका एक उपनाम है। इसके अलावा जननायक ये भी इनका एक नाम है। इसके अलावा लोकनायक, परीक्षा में बहुत सवाल आते हैं इनसे रिलेटेड। इसके अलावा धुन का धनी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। मास साहब, आपने इधर पढ़ा होगा मारवाड़ में मास्टर जी को बोलते हैं मास साहब, इनको भी मास साहब के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें लक्कड़ कक्कड़ फकड़ के नाम से भी जाना जाता था, लक्कड़ कक्कड़ फक्कड़ के नाम से भी क्या किया जाता था, यहां पर मारवाड़ में इनको जाना जाता था। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं, राजस्थान के एकमात्र कह दीजिए चाहे, ये क्या थे, मनोनीत और बाद में क्या हुए थे, निर्वाचित क्या रहे सीएम रहे। मेरे हिसाब से ये सब बातें आप जानते होंगे, ठीक है। सर मेरे पास नेट और पीएचडी की डिग्री नहीं है, बीए एमए बीएड तो है, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम, नेट के बिना आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम नहीं दे सकते भाई, ठीक है ममता जी, ये आप ध्यान करिएगा थोड़ा सा। तो इस बारे में मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री ये क्या रहे हैं, राजस्थान के रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी, कब की सर, 1921 में मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, हित
कारिणी सभा, हितकारिणी सभा की स्थापना की 1921 में। बाद में 1923 में इसका इन्होंने पुनर्गठन भी किया। 1923 में इन्होंने क्या किया था, पुनर्गठन भी इसका किया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा 1923 में। इसके अलावा सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। सर ये सामंतवाद क्या होता है जरा हमें समझा दो। मान लो ये एक कोई राजा है, ठीक है, सामंतवाद समझ लीजिएगा, ये एक राजा है, राजा का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है, वो अपना क्या नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, सब जगह जा नहीं सकता, अपनी पहचान नहीं कर सकता, कर नहीं वसूल कर सकता, सैनिक जो प्रबंधन है वो नहीं कर सकता। तो ये अपने रिश्तेदारों को क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए इनको अधिकारी के तौर पर नियुक्त करता है। मान लो ये इसका एरिया है, ये मान लो यहां तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, लेकिन इस क्षेत्र में नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, सैनिक प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, कर नहीं वसूल रहा है, तो ये अपने रिश्तेदारों को इस क्षेत्र में क्या करता है, अपॉइंट करता है। और ये अपॉइंट किए हुए इसके जो व्यक्ति हैं यही क्या कहलाते हैं, सामंत कहलाते हैं। और राजस्थान में सामंतवाद सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है, क्या सामंतवाद, सामंतवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पूरे देश में कहीं देखा जाए तो राजस्थान में एक लंबा इतिहास रहा है किसका, सामंतवाद का। तो ये सब बातें भी हमें ध्यान रखनी है। सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले एकमात्र व्यक्तियों में नाम आता है किसका, जयंद्रान व्यास का, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका निधन जो है वो कब हुआ था, निधन हुआ था सर 1963 में इनका निधन हो गया। और निधन के बाद इनके ऊपर क्या किया गया था, 1974 में डाक टिकट भी जारी किया गया था इनके ऊपर। लेकिन सर ये सब हमें आते हैं, अब परीक्षा के सवाल बता रहा हूं जो आ चुके हैं, इनकी लिखी गई पुस्तक जो है वो परीक्षा में आ चुकी है, दोनों पुस्तक जो बता रहा हूं वो, एक तो है मारवाड़ का वर्तमान शासन, ये सवाल परीक्षा में आ चुका है। इसके अलावा ये ध्यान रखना पोपाबाई की पोल, ये परीक्षा में दोनों सवाल आ चुके हैं, तो दोबारा आएंगे, ये ध्यान रखना। मारवाड़ का वर्तमान शासन और पोपाबाई की पोल, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखना। प्लस इसके अलावा सर ध्यान रखना कुछ पाक्षिक समाचार पत्र हैं, परीक्षा में इतना शानदार सवाल बनेगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। वो आपसे पूछेगा कि इनके समाचार पत्र हैं, जैसे एक मान लीजिएगा पीप, ये पीप किस भाषा में, पहली बात तो ये ध्यान रखना, पीप जो है वो अंग्रेजी भाषा का सवाल है, ये सब सवाल आ चुके हैं परीक्षा में, पीप जो है वो किस भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में। सर कहां से प्रकाशित होता था, ये दिल्ली से प्रकाशित होता था, ध्यान रखना। अब वो आपसे परीक्षा वाला सीधा सवाल पूछेगा, पीप समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से प्रकाशित होता था, जिसका प्रकाशन जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया जाता था, अब सवाल बताइए कि वो साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था, क्या था। तो आपको सवाल का जवाब देना है सर वो क्या था, पाक्षिक समाचार पत्र, यानी पक्ष 15 दिन से छपने वाला एक क्या था, समाचार पत्र था। इसके अलावा एक समाचार पत्र इनका और था जिसका नाम था आगीबाण, क्या था, आगीबाण नाम का एक समाचार पत्र और प्रकाशित होता था, जो क्या होता था, यहां ध्यान रखिएगा, वो राजस्थानी में प्रकाशित होता था, किसमें, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होता था। और वो कहां से, ब्यावर अजमेर जो है ना, ब्यावर कहां से, ब्यावर अजमेर से उसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। शायद ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। और इसके अलावा एक समाचार पत्र था इनका अखंड भारत, क्या था, चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। एक समाचार पत्र था जिसका नाम था अखंड भारत, अखंड क्या था, अखंड भारत, ये एक समाचार पत्र, और ध्यान रखना इसका प्रकाशन कहां से होता था, मुंबई से प्रकाशन होता था, इसका मुंबई से इसका प्रकाशन होता था। एक था तरुण राजस्थान, क्या था, तरुण राजस्थान, ये भी नेतृत्व इन्होंने किया था इसका भी, तरुण राजस्थान का भी। ये कहां से प्रकाशित होता था, तो आपको सबको पता ही है, अजमेर से प्रकाशित होता था। ये सब बातें किसके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है, मदन सिंह जी जब पता आपको चलेगा तब हमें भी पता चलेगा, उस समय सबको मालूम होगा तो उसी समय बताएंगे, अभी किसी को मालूम नहीं है इस संबंध में, तो क्या बताएं, बताओ। तो आप सबको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नेक्स्ट इसमें आता है तो बाकी सवाल आपको करा देंगे, वरना कल ही करवाने पड़ेंगे। यही प्रॉब्लम क्लास को स्टार्ट करने में आ रही थी, इसी वजह से हम लेट हुए थे पहले, तो एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सवाल अगर नहीं आते हैं तो हमारी समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अभी ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इसकी वजह है, ठीक है।
ये पहले भी ऐसे ही कर रहा था, तो अब अगली क्लास में हम बाकी सवालों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो है इसकी नीयत खराब है। अभी 10 ही सवाल आज हो पाए हैं, बाकी सवालों पर बात हम कल की क्लास में कर पाएंगे, क्योंकि आज इस पर बातचीत करने से कोई फायदा भी नहीं है और ना ये इस प्रकार के सकारात्मक जवाब दे पा रहा है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आज आज अगर हम इस बात को यहीं रोक दे तो, क्योंकि आपका भी समय खराब नहीं हो और हमारा भी नहीं हो, इस वजह से आप सबको आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने धैर्य बनाकर रखा। तो चलिए दोस्तों, कल बात करेंगे बाकी सब सवालों पर, आज किसी प्रॉब्लम की वजह से ये आगे सवाल नहीं आ रहे। सवाल तो बहुत थे, आज हमें आरपीएससी को शुरू करना था, ठीक है। हाँ चाहत जी, कोशिश करेंगे अगर हो सका तो ऐसी प्रयास करेंगे। अर्जुन जी, इसमें सब प्रयास कर लिया हमने पहले, इसी वजह से व्यवस्था टेम्परेली आपके सामने एक बार रखी गई थी, क्लास लेट हो गई थी इसी वजह से। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए, और अगले क्लास में आप सब लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवाल कुछ नए तथ्यों के साथ। बात सिर्फ परीक्षा के लिहाज से करनी है, ज्ञान बहुत है दुनिया में, आपको ज्ञान नहीं लेना है। सीधी बात कहता हूं कि परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन सब सवालों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और अगली क्लास में हम फिर आपसे कुछ बेहतरीन सवालों के साथ मुलाकात करेंगे, तो तब तक आप सबका स्नेह इसी प्रकार बना रहे, यही आशा है, और इसी आशा के साथ कि कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। और एक बार सबके नाम फिर बोल देता हूँ मैं, कृति, सैनी साहब, प्रदीप, प्रिंस राज, प्रियंका, कविता, गजेंद्र, सुनीता जी, चाहत, अनूप, योगेंद्र, राधेश्याम, हेमू, कृति, लक्कू मारवाड़ी जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो टेक्निकल इश्यू आया उस वजह से क्लास लेट भी चली और बीच में ज़्यादा सवाल हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत शानदार 10 सवाल और बच गए जिस पर हम कल की क्लास में बातचीत कर लेंगे। मेरे हिसाब से आप सब लोग धैर्य बनाकर रखेंगे, तो कोई बात नहीं, आपको पेपर क्लियर करना है, इस वजह से आप सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, जो सिलेबस में लिखा है उसी पॉइंट को याद करिए, तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपके सिलेबस के इतर कोई भी विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात याद करिएगा, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। रघु शर्मा जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार, अगर समय पॉसिबल हुआ तो जरूर इस पर बातचीत कर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।